सो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे पीछे सिंहागढ़ फोर्ट और अभी हम यहाँ पर आए थे ऐसे ही घूमने के लिए और अपना ड्राइंग पैड अपने साथ में लेके आए थे। तो सोच रहे हैं ना कि यहाँ पर जो खूबसूरत सा फ्रेम मुझे दिख रहा है ना उसको बनाए। ये जो कहानी है ना ये कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती, ये कहानी शुरू होती है आज सुबह 4 बजे से। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। कुछ 4:30 बजे हम अपने घर से निकले और मैं पुणे में रहता हूँ तो मेरे घर से सिंहागढ़ ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर है। बट देखते ही देखते ये जो बिल्डिंग्स कब पहाड़ में बदल गई हमें पता ही ना चला। ठंड बहुत बढ़ चुकी थी, हमारी स्कूटी रोड पर 2 बार बंद पड़ चुकी थी। बट सुबह 6:30 बजे हमारी कहानी सिंहागढ़ फोर्ट से कुछ ऐसी थी। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिंहागढ़ फोर्ट। सिंहागढ़ फोर्ट को मैंने फोटोज़ में जितना सुंदर देखा था ये उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है। और आज मैं अपने वाटर कलर्स अपने साथ लेके आया हूँ ये सोच के कि अगर मुझे कोई अच्छा सीन दिखा तो मैं बनाऊँगा। बट यहाँ तो यहाँ देखो बहुत खूबसूरत सीनरी मुझे देखने को मिला। बट ये वाला जो फ्रेम है ना मुझे थोड़ा सा पसंद आया तो मैं सोच रहा हूँ इसे बनाऊँ। बट मैं वाटर कलर लेके आया था जस्ट फॉर प्रैक्टिस करने के लिए एंड मैं बहुत टाइम बाद वाटर कलर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ मुझे जज मत करना अगर ड्राइंग उतना अच्छा ना बना तो। एक ट्राई देते हैं इसको, इस फ्रेम को बनाते हैं, ठीक है। बाकी अगर चैनल पे नए हो, इस शक्ल को पहली बार देख रहे हो, देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने अपना बैग वगैरह फ़िलहाल यहाँ पे रखा है एंड मुझे ये वाला जो फ्रेम है ना ये फ्रेम देख के थोड़ा सा मस्त वाला फील आ रहा है कि इसको बनाएंगे तो मज़ा आएगा। बिकॉज़ यहाँ पर थोड़ा सा सिंहागढ़ का पार्ट दिख रहा है प्लस इधर थोड़ा सा नेचर वगैरह, इधर मस्त पूरा आसमान वासमान पूरा दिख रहा है तो इसको बनाने में मज़ा आने वाला है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सो आई होप आप लोगों को वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। मेरे चैनल में कुछ एकदम नया कंटेंट देखने को मिला होगा तो मैं बहुत टाइम बाद लाइव पेंटिंग किया है एंड जो पब्लिक रिएक्शन मुझे मिला है ना वो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का था। मतलब मैंने सोचा नहीं था ऐसा पब्लिक रिएक्शन मिलेगा क्योंकि ये सिंपल सा बेसिक सा फ्रेम था, मैंने बहुत बेसिक सा वाटर कलर ड्राइंग बनाया एंड उसको लोग देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई क्या बना रहे हैं इतना खूबसूरत वगैरह ये सब चीज़ देख के। एंड मतलब पेंटिंग मेरे हिसाब से ठीक ठाक बन गया एंड मतलब जितने टाइम बाद मैंने वाटर कलर टच किया उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा बना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रिजल्ट देखने में पसंद आया होगा एंड वीडियो पसंद आएगा। अगर ऐसा और वीडियो चाहिए कि मैं कहीं जाऊँ एंड लाइव पेंटिंग करूँ एंड उसका आप लोग वगैरह वगैरह सब चीज़ देखना चाहते हो, बिहाइंड द सीन वगैरह सब चीज़, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आज की जो कहानी है वो यहाँ पे होती है ख़त्म, ठीक है। अभी मैं वापस जा रहा हूँ। इधर देखो क्या सीन है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो सर, टिल देन बाय।